मोदी का परिवार पूरी देश की जनता है और वो जनता के कल्याण की बात करते हैं। गांधी जी की परिवार कल्याण, गांधी परिवार की अपने परिवार के कल्याण की जो बात है, उसके कारण धीरे धीरे करके एक एक कांग्रेस का नेता और कांग्रेस का जो समर्पित कार्यकर्ता है वो उनको टाटा बाय बाय कर रहा है और ये क्रम महाराष्ट्र में भी चला है। और मैं समझता हूं कि ये चुनाव राष्ट्रवादी और परिवारवादी ताकतों के बीच में है। बीजेपी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी ताकतें हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में परिवारवादी ताकतें चुनाव लड़ रही हैं। एमबीए में सीटों को लेकर सिर्फ रवल है और ये लोग धीरे धीरे करके कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं के आधार पर अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत करती है। कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र घोषित किया है। ये इनका घोषणा पत्र नहीं है, ये इनकी ढकोर संखी घोषणाएं हैं। ये खोखला हो चुके हैं। कांग्रेस 100 साल से ज्यादा पुरानी एक जर्जर खंडहर ऐतिहासिक इमारत है जो लोकसभा चुनाव 2024 को हारने के बाद ये राजनीतिक इमारत जो है ऐतिहासिक 100 साल पुरानी कांग्रेस की, ये चरमरा कर ढह जाएगी और गांधी परिवार की परिवारवादी नीति के कारण इनके अधिकांश नेता इनका साथ छोड़ देंगे। और मैं समझता हूँ ये भारत के उन्नयन का समय है और अभी तक हम लोग नारा लगाते थे अब की बार 400 पार, अब तो लगता है कि एनडीए के साथ हम लोग 400 पार की बात करते थे कि 370 धारा हमने हटाई है तो 370 बीजेपी की सीटें होंगी, लेकिन अब लगता है कि 400 पार ताजुब नहीं कि केवल अकेले बीजेपी की आ जाए। मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में एक सीट पाने के लिए ये तरसेंगे, ये जो कांग्रेस का गठबंधन है, क्योंकि कांग्रेस के गठबंधन ने वही लोग हैं जिन्होंने पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लोकसभा में हराया, बाद में उपचुनाव लड़े तब उनको उपचुनाव हराया। जो बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं रहा तो उनको मानने वालों को कैसे हो सकता है। मोदी जी ने तो अभी जो उनका दीक्षा क्षेत्र उसके लिए भी 200 करोड़ दिए हैं। उन्होंने जहां जहां बाबा साहब रहे, दीक्षा लिया, पढ़े, पैदा हुए, शिक्षा प्राप्त की, उनको पंचतीर्थ बनाया है। ये एक तरीके से अंबेडकर जी को मानने वाले और अंबेडकर जी का विरोध करने वाले लोगों के बीच में चुनाव है। ये राम मंदिर को मानने वाले और राम मंदिर का विरोध करने वाले लोगों के बीच का चुनाव है। ये एक तरीके से परिवारवादी लोग और राष्ट्रवादी लोगों के बीच का चुनाव है। तो मैं कह सकता हूं कि आज वर्धा में कि यहां बड़ी अच्छी तैयारी है और पूरे विदर्भ क्षेत्र को मैं घूमकर आया हूं और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि जो अभी चंद्रपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा है और जो 6 तारीख को माननीय अमित भाई शाह जी की जो सभा है अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और निश्चित रूप में बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर मोदी जी को सुनने चंद्रपुर जा रहे हैं और अमित शाह जी की जो सभा है अलग से वो वहां पर वो सब लोग चाहेंगे। अभी भी नहीं लगा है। अच्छा, सब लोग हाथ उठाओ और हाथ उठाकर जोर से बोलो बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जो साया कि नहीं आया, आ गया। अब थोड़ी देर मोबाइल बाबा जो है ना, मोबाइल बाबा, इसको विश्राम दे देना, ठीक है। घर की याद आ रही हो तो घर की बातें भी मत करना, बैठक के बाद करना। आदरणीय सुनील जी, पंकज जी, प्रशांत जी, नीलेश जी, आशीष जी, अशोक जी, राहुल जी, जयंती जी, अमित जी, सुमित जी, निशांत गांधी जी,